हमारे देश का ये छोटा सा टापू अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जल्द ही हांगकांग जैसा ही एक आधुनिक शहर बनने वाला है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक नया 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिया। अब ये न्यूज सुनकर किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा जरूर हो जाएगा, आई एग्री, लेकिन इस पर मेरे कुछ सवाल है। पहली बात, हांगकांग इसीलिए है क्योंकि वो एक फाइनेंशियल हब है, वो भी पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है, यानी कि इन्यूमरस बिजनेसेस और मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने हांगकांग को चुना है अपने हेड ऑफिसेस एस्टैब्लिश करने के लिए। प्लस हांगकांग एक एक्सट्रीमली वेल प्लान्ड सिटी है, इनफैक्ट वो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट टूरिज्म हब भी है। अब अगर आप नहीं जानते तो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आज के तारीख में कुछ ऐसा दिखता है। ये 836 आइलैंड्स का बना हुआ एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें से सिर्फ 31 आइलैंड्स पर ही इंसान रहते हैं, बाकी के सारे 805 आइलैंड्स घने जंगल और वीरान गुफाओं से भरे हुए। 31 आइलैंड्स पर भी जो इंसान रहते हैं वो मोस्टली सारे ट्राइबल्स हैं, आदिवासी लोग हैं, जिनमें से भी कई ट्राइब्स तो हंटर्स एंड गैदरर्स हैं आज के तारीख में, यानी कि वो सिर्फ कोकोनट्स वगैरह बेचकर या फिर फिशिंग और एनिमल हंटिंग करके ही अपना गुजारा करते हैं। इनमें से कुछ ट्राइब्स के तो मैं फोटोज भी नहीं दिखा सकता बिकॉज यूट्यूब ही अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज ये कपड़े तक नहीं पहनते। अंडमान की ही एक ट्राइब है सेंटिनलीज करके, जिनका तो इतने सालों में ऑलमोस्ट जीरो ह्यूमन कॉन्टैक्ट हुआ है। इनफैक्ट अगर कोई भी इंसान उनके आइलैंड पर जाकर उनसे संपर्क बनाने की भी कोशिश करता है ना, तो देखा गया है कि वो उन पर सीधा बाण और तीरों से हमला कर देते हैं। सो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, हमारे देश में लगभग 51 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, लेकिन इन सबको छोड़कर आखिर क्यों सरकार 75,000 करोड़ रुपीज खर्च करके सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ही हांगकांग बनाना चाहती है। 75,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है यार, ये अरुणाचल प्रदेश जैसे एक पूरे स्टेट के दुगने जीडीपी के बराबर है। सो अंडमान और निकोबार में ऐसी क्या खास बात है जो इंडिया ने किसी और राज्य में नहीं बल्कि यहीं पर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने का सोचा? और एक और एक चीज, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम अंडमान के ही कंपेरेटिवली डेवलप्ड रीजन को और ज्यादा डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इस मैप को जरा देखना, ये पूरा रीजन अंडमान है और ये है निकोबार। इसमें से आज की तारीख में अंडमान ही कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप्ड है, जिसमें भी मेजर टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफिसेस अंडमान रीजन में ही है। बट हमारा ये 75,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट पूरे यूनियन टेरिटरी के किस हिस्से के डेवलपमेंट के लिए है जानते हो? इस छोटे से लिटिल अंडमान नाम के इलाके के लिए, जो माइंड यू आज भी 95% कंप्लीटली जंगल एरिया है, नो डेवलपमेंट एट ऑल। सो यार, एक ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन को और बिल्ड करने के बजाय सरकार एक कंप्लीटली वीरान परे एरिया को स्क्रैच से क्यों खड़ा करना चाहती है? तीसरा सवाल, जैसे मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट का यह प्लान है कि वो इस छोटे से रीजन को हांगकांग जैसा एक फाइनेंशियल हब बनाना चाहती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये पॉसिबल कैसे है? जैसे मैंने कहा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन लोकल्स जो है वहां पे, वो तो ट्राइबल्स है, तो इस रीजन में स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनीज खड़ा कौन करेगा? इसके लिए तो हमें चाहिए होगा ना कि देश विदेश से कई सारे एंटरप्रेन्योर्स और एमएनसीज यहां पर आए, और उनके पास तो न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे शहर है जो सारे आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है, अल्ट्रा मॉडर्न मेगा सिटीज है। तो हमारा ये छोटू सा लिटिल अंडमान इन जायंट्स का मुकाबला कैसे करेगा? क्या कुछ ऐसा यूनिक एडवांटेज है जो अंडमान के अलावा दुनिया का कोई और शहर आज के तारीख में ऑफर नहीं कर रहा है? एंड वेल, द आंसर इज यस। लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सही से अगर डेवलप किया जाए तो ही वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पोर्ट बन सकता है जो इस रीजन के किसी भी कंट्री में नहीं बन सकता, और इस रीजन की वजह से बहुत सारे देशों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होने वाला है, एंड ऑफ कोर्स इंडिया को तो और भी ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो सकता है। रुको, पूरा गेम समझते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट ना सिर्फ लिटिल अंडमान में ही नहीं बन रहा है, उसका एक मेजर चंक लिटिल अंडमान में जरूर बन रहा है, जो जैसे मैंने कहा 95% पूरा डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का एक फेज निकोबार आइलैंड्स में भी बन रहा है, जिसके गैलाथिया बे को एज अ स्ट्रेटेजिक ट्रांसशिपमेंट हब डेवलप करने का प्लान है। इस मैप को ध्यान से देखना, आप जानते ही होंगे कि ग्लोबली 90% ऑयल ट्रेड आज भी सिर्फ और सिर्फ इसी सी रूट से जाता है।
90% ऑयल ट्रेड, जिस ऑयल को आज भी मॉडर्न वर्ल्ड का सोना समझा जाता है। अब सब जो चाइना से एक शिप कुछ सामान लेकर ओमान के लिए जाने वाली है, बट इसी शिप को रास्ते में म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका का भी सामान उतारना है। तो नॉर्मल केस में ये शिप उन सारे जगहों पर रुक रुक के अपना सामान उतारते उतारते जाएगी, राइट? पर इसमें काफी ज्यादा टाइम और कॉस्टिंग लग जाता है। लेकिन यहीं पर गैलाथिया बे का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया के लिए एक बड़ा एडवांटेज साबित होगा, क्योंकि ये बे एकदम सेंटर में लोकेटेड है। इससे बेसिकली होगा ये कि ये शिप सीधा चाइना से आकर यहीं पर रुक सकती है और जितने भी आजू बाजू के देश का शिपमेंट है वो इसी पोर्ट पर उतार कर डायरेक्टली ओमान के लिए रवाना हो सकती है। फिर ये सारे देश अपना अपना शिपमेंट गैलाथिया बे से ही कलेक्ट कर लेंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस पूरे रीजन में कोई और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट हो गया और मलेशिया का पोर्ट क्लैंग हो गया, ये दोनों भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स है। लेकिन अगर आप इनकी लोकेशन देखोगे तो ये दोनों भी पोर्ट्स शिपिंग रूट के एजेस पर है, सेंटर पर नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यूजुअली एक शिप से कार्गो भेजने के लिए कंपनीज को पर डे का कॉस्ट पे करना पड़ता है, जो यूजुअली $2,00,000 तक चला जाता है। सो अगर कुछ 100 नॉटिकल माइल्स भी शिप्स को एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ जाए तो उससे कंपनीज का पर डे $1,000s का खर्चा बढ़ जाता है। और इसीलिए एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर इस रीजन के एकदम सेंटर में गैलाथिया बे में हमारा ट्रांसशिपमेंट हब बनता है तो सभी कंट्रीज के शिपिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 15% से कम हो जाएंगे। मतलब इससे कंपनीज को पर डे $30,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब रही बात इंडिया की, तो मेरे हिसाब से ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है कि हमने अब तक इस अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज नहीं किया है। हमने अभी तक गैलाथिया बे के इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेवरेज ही नहीं किया है। लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट, एक और एक इंटरेस्टिंग बात जानते हो, ये प्रोजेक्ट हांगकांग इंडिया के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट और होटल सेक्टर में इंटरेस्टेड हो। इंडिया में होटल इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज में से है, लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि अक्सर आपने भी एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस किया होगा, आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो और उनका मेन्यू तो काफी एक्सटेंसिव होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं। कई बार तो एक एक घंटे के इंतजार के बाद कहीं जाकर एक डिश बनकर आती है और उसमें भी काफी केसेस में ऑर्डर्स भी मिक्सअप हो जाते हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली आपके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस खराब करते हैं और बिजनेस की दुनिया में तो आप जानते हो कस्टमर इज लिटरली द किंग। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे प्रॉब्लम्स के पीछे रीजन होता है कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ स्टॉक्स, इन्वेंट्री एंड ऑपरेशंस, क्योंकि काफी रेस्टोरेंट्स में ओनर्स आज भी ट्रेडिशनली मैनुअली ही काम करते हैं। लेकिन आज के तारीख में आप ये सब कुछ लिटरली अपने स्मार्टफोन से ही हैंडल कर सकते हो विद उडू'स पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन। उडू एक रेवोल्यूशनरी ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसमें कई सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिससे आप अपने पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट उडू'स पॉइंट ऑफ सेल रेस्टोरेंट एप्लीकेशन, ये तो आपका वन पॉइंट सोल्यूशन है जिसकी मदद से आप अपने पूरे रेस्टोरेंट को सक्सेसफुली मैनेज और अपने कस्टमर्स को एकदम स्मूथ और सीमलेस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले तो आप इसकी मदद से अपने रेस्टोरेंट या बार का फ्लोर प्लान अपने हिसाब से फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो और अपने लिए एक कस्टम मेन्यू भी बनवा सकते हो। फिर कस्टमर्स से लेट्स से अगर आपको ऑर्डर्स लेना हो तो इसमें हमारे पास ऑफलाइन ऑप्शन के साथ ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्योंकि उडू का यह एप्लीकेशन आपके हर एक डिवाइस, डेस्कटॉप, टैबलेट या इवन आपके मोबाइल के साथ भी कंपैटिबल है, और इसीलिए इससे आपके कस्टमर्स अपने फोन से ही ऑनलाइन भी टेबल बुक कर सकते हैं। यहां एक QR कोड का भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसे स्कैन करके भी कस्टमर अपने टेबल से अपना फूड सेल्फ ऑर्डर कर सकते हैं। और आजकल तो कैफेज में कियोस्क ऑर्डरिंग भी काफी पॉपुलर है, तो विद उडू आप ये टेक्नोलॉजी भी अपने रेस्टोरेंट में अवेलेबल करवा सकते हो। फिर जैसे ही आपके कस्टमर्स का ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ये डायरेक्टली आपके किचन प्रिपरेशन के डिस्प्लेज में कुछ इस तरह से डिश के नाम और क्वांटिटी के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि इससे आपको अपने किचन मैनेजमेंट और बैकएंड के सारे प्रोसेसेस की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उडू इसे आपके लिए एकदम सिंप्लीफाई कर देगा। और फिर इसमें एक इंटरनल नोट फीचर भी है जिससे आप अपने कस्टमर्स के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को भी नोट करके डायरेक्टली शेफ को सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट्स में सबसे बड़ा हेडेक तो स्टॉक मैनेजमेंट और डेटा एंट्री होती है, लेकिन उडू में एक क्विक प्रोडक्ट क्रिएटर करके फीचर अवेलेबल है जिससे आपको सिर्फ प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करना है और न्यू प्रोडक्ट अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, जिसमें बारकोड लुकअप से सारा इन्फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा।
और अगर आपको अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स को भी मैनेज करना है तो उडू के पास इसका भी सलूशन है। आप अपने जोमैटो और स्विगी के ऑर्डर्स को भी उडू POS रेस्टोरेंट से ही मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी अब उडू से इंटीग्रेटेड है। इसके बिल्स को एडवांस में प्रिंट करना हो गया, बिल्स को स्प्लिट करना, डिफरेंट टैक्सेस को ऐड करना, और यहां तक कि अगर आपको अपने लॉयल कस्टमर्स को लॉयल्टी पॉइंट्स, गिफ्ट कार्ड्स या फिर स्पेशल डिस्काउंट्स देना है तो उडू POS रेस्टोरेंट हैज गॉट दैट कवर्ड एज वेल। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, उडू एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है आपके बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए, विद एप्ट यूजेज ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी इन टुडेज फास्ट ग्रोइंग बिजनेस वर्ल्ड। बेसिकली सेल्स से लेकर इनवॉइसिंग तक और CRM से लेकर वेबसाइट तक Udu can help you grow your business. और बेस्ट बात इसकी ये है, the first app is always free, हमेशा के लिए, for unlimited number of users, वो भी बिना कोई credit card details डाले। Udu is trusted by more than 12 million happy users in the world, और Udu की flexibility भी ऐसी है कि आप अपने business के requirements के हिसाब से आगे भी कभी भी अपने plan में apps को add कर सकते हो। Subscription starts at just ₹580. So what are you waiting for? You should definitely consider checking out Udu. And also their POS restaurant app. अब लौट आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये इंडिया का एक काफी बड़ा ब्लंडर है कि हमने अब तक अपॉर्चुनिटी होते हुए भी गलाथिया बे के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेवरेज नहीं किया। इससे हमें हर साल एटलीस्ट 1500 crores यानी कि $180 million का लॉस हो रहा है, और श्रीलंका और मलेशिया जैसे छोटे छोटे देश तक अपने पोर्ट्स बना के हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन हम अभी तक अपना घाटा ही करते जा रहे हैं। अब दूसरी चीज जो इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है, वो इस प्रोजेक्ट का प्लान टू ट्रांसफॉर्म द लिटिल अंडमान रीजन। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि हम सिर्फ इस रीजन को इंडिया का एक नया फाइनेंशियल हब नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम लिटिल अंडमान को एक लिवेबल, वेल प्लान्ड फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं, जैसे हांगकांग बना है। अगर आज आप हमारे देश के ही दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज को देखोगे, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई वगैरह, तो यहां पर तो बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स बन गए जहां पर मिलियनेयर्स रहते भी हैं। उसके बाजू में ही डेंजरस फैक्ट्रीज है, मगर BKC जैसे बिजनेस जोन्स के बाजू में स्लम्स है, जीरो प्लानिंग, पूरा शहर एकदम अनमैनेज सा लगता है। पर यह गलती लिटिल अंडमान में रिपीट नहीं होने वाली है, और इसीलिए क्योंकि नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे इस रीजन को फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 3 जोन्स में प्लान किया गया है, Zone No. 1, Zone No. 2 और Zone No. 3। स्टार्ट करते हैं Zone No. 1 से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो किसी भी शहर में एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो वहां पर कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल लिटिल अंडमान में सिर्फ शिप्स ही जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक शिप आज के तारीख में, MV नालंदा, जिसका भी कोई फिक्स टाइम ही नहीं है। एक दिन जाएगी तो दूसरे दिन जाएगी कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। दूसरा, यहां पर सिर्फ एक ही हेलीपैड है जो कि ज्यादा ट्रैफिक हैंडल ही नहीं कर पाता, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला प्लान है Zone No. 1 को एक एरो सिटी बनाना। अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले हो जाता है, एयरपोर्ट बाद में बनता है, और इसीलिए कई बार मेजर 5-स्टार होटल्स और बिजनेस सेंटर्स एयरपोर्ट्स के काफी दूर बन जाते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि Zone 1 में सबसे पहले एरो सिटी बन रहा है, तो एरो सिटी में शुरुआत से ही एक ऐसा लेआउट प्लान किया जाएगा कि एक तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और उसके जस्ट आजू बाजू में ही पूरा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट खड़ा हो जाएगा, जिसमें बिजनेस के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसके लिए बड़े बड़े फिनकॉर्प्स और बैंक्स के ऑफिसेज होंगे, ऑफिस स्पेसेस के लिए डेडिकेटेड कमर्शियल बिल्डिंग्स, और तो और डॉक्यूमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये सब कुछ एक दूसरे से बस कुछ ही देर की दूरी में बन जाएंगे। अब तक इंडिया में सिर्फ एक ही प्लान्ड एरो सिटी बनाया गया है, दिल्ली में, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाजू में ही बना है, जिसमें इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया, द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और वर्ल्ड मार्क 2 जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स है, जो सब कुछ एक दूसरे से एकदम कम डिस्टेंस पर ही बनाए गए, और इसीलिए ही ये एरो सिटी इतना सक्सेसफुल भी रहा। इनफैक्ट इतना कि दिल्ली की IGI एयरपोर्ट तो लॉस में है, लेकिन क्योंकि ये पूरा एरो सिटी भी सेम ही पेरेंट कंपनी का है, सो इस एरो सिटी के प्रॉफिट से पूरे एयरपोर्ट के लॉसेस कवर हो जाते हैं। और ये एरो सिटीज इसीलिए प्रॉफिटेबल हुए क्योंकि बिजनेसेस ये प्रेफर करते हैं कि वो एरो सिटीज में ही अपने ऑफिसेस को एस्टैब्लिश करें,
फॉरेन के भी कई शहरों में जैसे दुबई, कुआलालंपुर, लंदन, बीजिंग में ऐसे ही एरोसिटीज बनाए गए हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। अब लेट्स से कि आप पर्सनली अपना बिजनेस लिटिल अंडमान में खोलना चाहते हो, तो आपको वहां पर रेसिडेंशियल एरिया भी तो चाहिए होगा ना, जहां पर आप और आपका स्टाफ रह सके। फिलहाल तो जैसे मैंने बताया 95% लिटिल अंडमान वीरान पड़ा हुआ है, जंगलों से ढका हुआ है। लेकिन क्योंकि हम लिटिल अंडमान को एक प्लान्ड सिटी बनाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से अलग जोन 2 में बनाने का प्लान किया गया है, जिसका ब्लूप्रिंट भी दुबई के इस साउथ रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पायर्ड है। लेकिन मान लो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हो जाता है, फिर भी इतने ब्यूटिफुल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के बावजूद मेरे हिसाब से शायद ही कोई लिटिल अंडमान में रहने के लिए आएगा, क्योंकि ये पूरा आइलैंड इंडिया से 1400 किलोमीटर दूर एक तरह से डिस्कनेक्टेड है ना। सो किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में मेनलैंड इंडिया से यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज को पहुंचाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? प्लस आज के तारीख में इस पूरे यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जिनकी बेड कैपेसिटी भी बस 1200 बेड्स ही है। अब अगर आप किसी भी नए शहर में रहने जाना चाहोगे तो आप तो चाहोगे ही ना कि वहां की मेडिकल फैसिलिटी, वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम टॉप नॉच हो। और बस इसीलिए इस प्रोजेक्ट का दूसरा सबसे बड़ा प्लान है जोन 1 में ही एक मेड सिटी बनाना, जैसे दुबई के विजनरी किंग मक्तोम बिन रशीद अल मक्तोम ने दुबई में 2002 में बिल्ड किया था। सो दुबई से इस विषय में हमने क्या सीखा? वेल, सबसे पहले तो दुबई में उस रीजन में खुद से ही द सिटी हॉस्पिटल नाम का एक हॉस्पिटल शेख ने बनवाया, और फिर उन्होंने उस हॉस्पिटल के आजू बाजू के कई एकर्स ऑफ लैंड को सिर्फ और सिर्फ मेडिकल यूज के लिए ही रिजर्व कर दिया। इसके अलावा कई देशों में क्या होता है ना कि अगर आप किसी बाहर के कंट्री के हो तो आपको दूसरी कंट्री में लैंड खरीदने की परमिशन नहीं होती, लेकिन दुबई किंग ने इस रीजन को एग्जेम्प्ट करके ये अनाउंस कर दिया कि अब चाहे आपकी नेशनैलिटी जो भी हो, आप इस रिजर्व्ड एरिया में अपना खुद का एक लैंड खरीदकर एक मेडिकल फैसिलिटी बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने इस एरिया को टैक्स फ्री जोन भी डिक्लेयर कर दिया, यानी 0% टैक्स। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप एक नॉर्मल अपोलो हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले लो तो वो एक साल में 200 से 300 करोड़ रुपए तो सिर्फ टैक्सेस में ही भर देते। लेकिन दुबई किंग ने ये अनाउंस कर दिया कि अगर आप इस रीजन में अपना हॉस्पिटल खोलते हो तो आपको टैक्स में एक भी रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सो इन फैसिलिटीज के वजह से कुछ ही सालों में दुबई का ये पूरा एरिया एक मेडिकल हब बन गया, और वहां की मेडिकल टूरिज्म भी बहुत बढ़ गई। पिछले साल का डेटा अगर आप देखोगे तो वहां पर लास्ट ईयर 691,000 मेडिकल टूरिस्ट आए थे, जिससे यूएई को 1 बिलियन दिराम्स का प्रॉफिट हुआ। और बस दुबई के इसी मॉडल को कहीं ना कहीं लिटिल अंडमान में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश जारी है। लेकिन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी एक और एक बहुत ही बड़ी खामी है, जो कि लिटिल अंडमान को इंडिया का नया फाइनेंशियल हब बनने से पीछे रख रही है। आज भी ये यूनियन टेरिटरी इंडिया के लीस्ट विजिटेड स्टेट्स में आते हैं। यहाँ पर टूरिज्म बहुत ही कम है, जबकि अगर आप बाकी के आइलैंड नेशंस को देखोगे, जैसे कि मालदीव्स हो गए, सेशेल्स, थाईलैंड हो गया, इन देशों की तो आधी से ज्यादा जीडीपी सिर्फ टूरिज्म सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। सो अंडमान की इसी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत प्लान बनाया गया है कि इस रीजन को इंडिया का नेक्स्ट बिगेस्ट टूरिज्म हब बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट तीनों भी जोन्स में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन हर एक जोन टूरिस्ट को कुछ यूनिक ऑफर करेगा। जोन नंबर 1 जहां पर फाइनेंशियल हब बनने वाला है, वहीं पर एरो सिटी के आसपास ही अल्ट्रा लग्जूरियस 5 और 7 स्टार होटल्स बनाने का प्लान है, उन लोगों के लिए जो अपने हॉलीडेज में एक प्रीमियम ट्रैवल एंड स्टे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जोन नंबर 2 कंप्लीटली फोकस करेगा एडवेंचर और एंटरटेनमेंट टूरिज्म पर, ताकि यंग टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। सो इसके लिए इस जोन नंबर 2 वाले रीजन में थीम पार्क्स बनेंगे, जैसे कि यूएस के यूनिवर्सल स्टूडियोज, वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड और हांगकांग का डिज्नीलैंड। अब अगर ये प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये अंडमान की इकोनॉमी के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। इनफैक्ट हांगकांग में डिज्नीलैंड बनाया ही इसीलिए गया था ताकि वहां पर टूरिज्म बूस्ट हो सके, और एग्जैक्टली वहीं पर हुआ भी इसके बाद। पिछले ही साल का अगर हम डेटा देखें तो डिज्नीलैंड से हांगकांग को ऑलमोस्ट 69,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था, वो भी सिर्फ एक ही साल में, जो इसके पिछले ही साल 2022 के प्रॉफिट से भी 2.5 गुना ज्यादा था।
सेम ऐसा ही हुआ हांगकांग के कैसीनो स्ट्रिप बनाने के बाद भी। बेसिकली पूरे चाइना में सिर्फ हांगकांग में ही गैम्बलिंग लीगल है, और आप बिलीव नहीं करोगे मगर हांगकांग का यही कैसीनो स्ट्रिप उनके जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट करता है। यस, हांगकांग की आधी जीडीपी कैसीनो स्ट्रिप से चलती है, और इसीलिए लिटिल अंडमान के जोन नंबर 2 में एक कैसीनो स्ट्रिप भी डेवलप करने का प्लान है, जो अगेन एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है इस रीजन के टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया में सिर्फ सिक्किम और गोवा में ही कैसीनोज लीगल है आज, और गोवा में भी इन कैसीनोज से पिछले साल 820 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ऑल्सो एक बात और आपने नोटिस की होगी कि मोस्टली बॉलीवुड मूवीज में जितने भी बीच सीन्स होते हैं ना, उसके लिए डायरेक्टर्स को अपने पूरे क्रू को लेकर फॉरेन कंट्रीज जैसे कि मालदीव्स, थाईलैंड, मॉरिशियस, स्पेन, यहां तक कि दुबई में जाना पड़ता है, जिसमें से कई बार सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो का बजट करोड़ों तक एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन लिटिल अंडमान के इसी जोन नंबर 2 में एक नेशनल फिल्म और ड्रामा इंस्टीट्यूट आउटडोर फिल्मिंग के लिए शूटिंग लोकेशंस प्लस म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग और डबिंग के लिए एक फिल्म साउंड एंड म्यूजिक स्टूडियो भी बनाया जाएगा। बेसिकली जोन नंबर 2 में एक अल्टरनेट फिल्म सिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली एक बीच थीम्ड फिल्म सिटी जो अंडमान की एक यूएसपी होगी। बट अंडमान की एक और एक यूएसपी है जो अभी तक हमने लेवरेज ही नहीं किए, इस आइलैंड के डेंस लश ग्रीन फॉरेस्ट्स। इस रीजन में कई प्रकार के रेयर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज है। ऑल्सो ये इंडिया के कुछ चुनिंदा रीजन्स में आता है जहां पर आपको कोरल रीफ्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये सब कुछ एक परफेक्ट रेसिपी है उन टूरिस्ट के लिए जो शहरों के शोर शराबे से दूर शांति की खोज में किसी जंगल के बीच में कुछ दिन रहना चाहते हैं। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट के तहत जोन नंबर 3 को एक नेचर एक्सक्लूसिव जोन बनाया जा रहा है, जो हांगकांग के ड्रैगन्स बैक ट्रेल और टाइटैम कंट्री पार्क से इंस्पायर्ड होगा। बेसिकली हांगकांग के ये दोनों भी एरियाज फेमस ही इसीलिए है क्योंकि ये शहरों के बीचों बीच में एक नेचर एक्सक्लूसिव जोन प्रोवाइड करते हैं। So, कुछ ऐसा ही प्लान किया गया है लिटिल अंडमान के साथ भी, जहां पर 52 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक लैंड रिजर्व कर दिया गया। सो इस पूरे प्रोजेक्ट का प्लान तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इससे पहले ये प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो, इसे इंडिया की जनता से एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होते ही इसे इंडिया के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से लेकर ऑपोजिशन पार्टीज सारे मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस तक फाइल हो चुका है। इंडियन एक्टिविस्ट इसे इकोसाइड बोल रहे हैं, यानी कि उनका कहना है कि इससे नेचर का जेनोसाइड हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया लिटिल अंडमान का ये एरिया 95% एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से अब यहां से 24.4 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। दूसरी बात, फॉरेस्ट कवर हटाने से यहाँ के एनिमल्स का भी तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, स्पेशली अंडमान के फेमस जायंट लेदरबैक सी टर्टल्स, जो ह्यूमंगस टर्टल्स की एक बहुत ही यूनिक प्रजाति है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये एंडेंजर्ड हो चुके हैं। ये दुनिया में कुछ ही जगह पाए जाते हैं, और अगर आप इस मैप में देखोगे तो ये टर्टल्स दुनिया भर से ट्रैवल करके लिटिल अंडमान आते हैं, क्योंकि ये उनका एक मेजर नेस्टिंग साइट है। थर्ड मेजर कंसर्न ये है कि अगर ये एरिया पूरा डिवेलप हो जाता है तो यहाँ रहने वाले ट्राइब्स, स्पेशली यहाँ के ओंगेस ट्राइब्स का क्या होगा। प्रोजेक्ट प्लान में मेंशन है कि उन्हें रीलोकेट कर तो दिया जाएगा, लेकिन इसके बारे में कहीं पर भी डिटेल में नहीं मेंशन किया गया है। अब डेफिनेटली ये सारे कंसर्न्स काफी जेन्युइन है, लेकिन इस मुद्दे को देखने का एक और एक नजरिया भी है, ये कि लिटिल अंडमान को अगर डिवेलप नहीं किया जाए तो ये पूरे देश के लिए एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। अगर आप अंडमान से थोड़ा जूम आउट करोगे ना, तो आप देखोगे इस पूरे इंडियन ओशन और स्ट्रेट ऑफ मलाका इलाके में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएस और रशिया जैसे सुपर पावर्स के अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स हैं। किसी ने अपनी मिलिट्री बेसेस यहां पर डिप्लॉय करके रखी है, तो किसी ने आर्मी, तो किसी ने देश ही खरीद लिया है। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में पहले बताया कि किस किस तरह से दुनिया के बड़े से बड़े देश शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके इस IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो देश इस इलाके में राज करेगा भविष्य में, वो पूरे विश्व में राज करेगा। देखो, हर एक वॉर में लड़ाई सिर्फ मैदान में ही नहीं लड़ी जाती। किसी भी जंग को जीतने के लिए मिलिट्री पावर तो जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिक पावर उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इससे हम वॉर्स के दौरान बड़े से बड़े देशों को अपने घुटने पे ला सकते हैं, नेगोशिएट करने पर मजबूर कर सकते हैं, और ऐसा हमने किया भी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पूरी दुनिया का 85 से 90% ऑयल ट्रेड यहीं से पास होता है,
सो जब चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ था ना, तब इंडियन नेवी ने बड़े ही स्मार्टली अपने वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी और मलाका स्ट्रेट के पास डिप्लॉय कर दिया था। बेसिकली इससे एक तरह से इंडिया ने चाइना को धमकी दे दी थी कि अगर तुम गलवान इलाका कब्जा करोगे तो हम यहां से तुम्हारे ऑयल ट्रेड के रूट को ही चोक कर देंगे। इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है ब्लू वाटर डिप्लोमेसी, और ये हमारे लिए इतनी सक्सेसफुल थी कि वो चाइना जो हमारी एक बात नहीं मान रहा था वो तुरंत नेगोशिएट करने के लिए मान गया। And China and India are speeding up negotiations, hoping to break a long-standing dispute over border issues. The Chinese are no longer on Indian territory in Galwan, reports said, quoting sources. बस यही बात हर कोई अच्छे से जानता है, और इसीलिए ही तो सभी देशों के बीच यहाँ पर आने की होड़ बची हुई है। जरा ये ऑयल ट्रेड का रूट देख लो। अगर आप देखोगे तो देशों ने इतने दूर दूर तक अपने बेसिस को बिठा कर रखे हुए कि यहां से शायद ही इमरजेंसी के दौरान वो अपनी मिलिट्री को टाइम से डिप्लॉय भी कर पाए। अब ऐसे में इंडिया एक ऐसा देश जो इस पूरे इलाके के लिटरली बीचों बीच खड़ा हुआ है, उसमें भी हमारा अंडमान निकोबार तो ऑयल ट्रेड रूट के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट मलाका स्ट्रेट के एकदम ओपनिंग पर ही लोकेटेड है। मतलब हर एक शिप को ना चाहते हुए भी इस स्ट्रेट से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इतने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है हमारा ये रीजन, लेकिन आज तक फिर भी हमने इस एरिया को डिवेलप ही नहीं किया है। ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर तो है ही, लेकिन इंडिया के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में हमने अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं डाले तो वो एरियाज दूसरे देश वाले कॉलोनाइज भी कर लेंगे। आप अगर देखोगे तो अक्साई चीन के साथ भी वही तो हुआ। 1962 के वॉर के बाद चाइना उन्हीं इलाकों पर कब्जा कर पाया जहां पर इंडियंस का सेटलमेंट्स नहीं था, और आज तक 3,800 स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारा ये लैंड चाइना के कब्जे में ही मौजूद है। और इसीलिए ऐसे सेंसिटिव रीजन्स का डेवलपमेंट भी हमारे देश के लिए एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब हाँ, देखना बस हमें यहां पर यह है कि हमारी गवर्नमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड के सेंसिटिव इकोसिस्टम, वहां के ब्यूटीफुल फॉरेस्ट्स, बीचेस, कोरल रीफ्स और एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड ट्राइब्स को साथ में लेते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर पाती है, इकोलॉजी विद इकोनॉमी के सिद्धांत पर विकास कर पाती है कि नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में इस प्रोजेक्ट हांगकांग के बारे में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। आई ट्रूली होप दिस प्रोजेक्ट टर्न्स आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।